हेलो एवरीवन। फिजिक्स में कई बार अपने को ये दिया जाता है कि पार्टिकल किसी पार्टिकुलर कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है। ऐसे क्वेश्चन में अपने को कर्व की लेंथ निकालनी होती है। आज अपन एक जनरल कर्व की लेंथ निकालेंगे जिसका इक्वेशन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में स्पेसिफाइड है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अपने को ये कर्व दिया गया है जो एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। कर्व का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कर्व की लेंथ पता करने के लिए अपन कर्व पे एक इन्फिनिटेजिमली स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसको अपन ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। इस सेगमेंट को मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा रहा हूँ। कर्व का ये सेगमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इस सेगमेंट के एक एंड पर एक्स कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान लेते हैं वाई है। इस स्मॉल सेगमेंट के अदर एंड पर एक्स कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ एक्स प्लस डी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अपन लेंगे वाई प्लस डी वाई। सेगमेंट की लेंथ को मैं डी एस से डिनोट कर देता हूँ। ये जो स्मॉल सेगमेंट है इसकी लेंथ है डी एस। जब अपन इस सेगमेंट के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक अपन चलते हैं, तो इस एंड से लेके इस एंड तक एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज है डी एक्स, जिसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट में चेंज होगा डी वाई, जिसको अपन यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें अपन स्मॉल सेगमेंट की लेंथ ये लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। और अब डी एक्स स्क्वायर को मैं रूट से बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर ये रहेगा रूट वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये अपने पास डी एस की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर अपन पूरे कर्व के ऊपर इंटीग्रेट करें तो पूरे कर्व की लेंथ अपने को पता लग जाएगी, यानी लेंथ ऑफ कर्व ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एस। चूंकि कर्व एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक डिफाइंड है, अपन इसको एक्स इक्वल टू ए से बी तक इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी लेंथ ऑफ कर्व अपने पास ही आ जाएगी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी रूट वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये अपने पास लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। अब मैं एक स्मॉल एग्जाम्पल लेकर इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर अपने को एक कर्व दिया गया है y इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 8 तक। अपने को पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता करना है, यानी अपने को इस कर्व का लेंथ पता करना है। तो लेंथ कैलकुलेशन के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 8।
तो सबसे पहले तो अपन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इसका पहला डेरिवेटिव पता कर लेते हैं। dy ओवर dx की वैल्यू ये आ जाएगी। जब अपन y को डिफरेंशिएट करेंगे, 2/3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। x टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे अपने पास ये रह जाएगा रूट एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपन लेंथ के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो लेंथ ही आ जाएगी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 8 रूट 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसमें लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट है 8, लोअर लिमिट है 0। 3/2 से अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 3/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। लिमिट्स रखते हैं, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, 9 की पावर 3/2। और जब एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1 की पावर 3/2 होगा। इसको अपन ये लिख सकते हैं 2/3 इंटू 9 को लिख लेते हैं 3 स्क्वायर 2 × 3/2 -1, तो ये 3 की पावर 3 रह जाएगा। इसको अपन ये लिख सकते हैं 2/3 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 27 -1 26, 26 इंटू 2 52/3 मीटर, यानी पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये अपना आंसर हो जाएगा।